लीजिए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज आप जानकारी देखेंगे मोच का दर्द आपको कैसे बंद करना है। मोच आती है तो सूजन भी आती है और उसमें दर्द भी होता है, तो उसको आप कैसे बंद कर सकते हैं, और वो भी एक छोटे से सरल नुस्खे के द्वारा आप ठीक हो सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आप दो तीन टिप्स हम आपको बताएंगे कि मोच का दर्द कैसे बंद करना है और सूजन को कैसे ख़त्म करना है। तो दोस्तों, अपनी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और आने वाली जानकारियों का मैसेज आपको बराबर मिलता रहे और घर बैठे दोस्तों आप लाभ ले सकें। तो ऐसी समस्या में आपको किसी भी प्रकार का रोग है तो आप लाभ ले सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों आपको बताने के लिए कि मोच का दर्द कैसे होता है, कैसे मोच लगती है और इसका समाधान क्या है। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, अगर आपका ऊंची नीची जगह पर पैर पड़ता है या आप फिसल जाते हैं, तो जो जोड़ों पर नस हैं या जोड़ है, वो जगह आपकी चुटैल हो जाती है, उसमें चोट लग जाती है, उसे दोस्तों मोच बोलते हैं। साथ में सूजन भी होती है, दर्द भी होता है। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है वो ज़्यादातर जॉइंट पर होती है, जैसे कलाई है, टखने हैं, कोहनी हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा है कि पैरों में मोच की समस्या ज़्यादा आती है, क्योंकि फिसलना, सीढ़ियों पर चढ़ना, ऊंचे नीचे पर पैर पड़ना, तभी ऐसी दोस्तों समस्या आती है कि हम गिर भी जाते हैं। और जब ऐसी समस्या होती है तो वहाँ पर सूजन भी तुरंत होती है, जो कि हमें चलने फिरने उठने बैठने सब जगह हमको दिक्कत होती है, हम चल भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको दोस्तों हम छोटे छोटे तीन से चार नुस्खे बताएंगे, जिनके करने से आपका जो मोच का दर्द है, सूजन है या चोट लगी हुई है दोस्तों, वो दूर हो जाती है। तो सबसे पहला उपाय है दोस्तों आपके लिए कि आपको सरसों का तेल लेना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके जहाँ पर आपके सूजन है, मोच है, उसकी आपको मालिश करनी है, धीरे धीरे मालिश करनी है, जिससे कि आपकी सूजन दर्द दोस्तों कम हो जाता है। इस तरीके से आप फायदा ले सकते हैं। और उसी प्रकार दोस्तों हम दूसरा भी तरीका आपको देते हैं कि कुछ आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं और उनका रस निकालना है, साथ में सरसों का तेल लेना है, दोनों को मिलाना है, तुलसी के पत्तों का रस और सरसों के तेल का रस। तो जब दोनों का तेल मिल जाएगा दोस्तों, तो आप उसी जगह की सूजन और मोच वाले स्थान पर मालिश करनी है, तो आपको इससे भी अच्छा फायदा मिलेगा। तो अब बताते हैं दोस्तों आपको तीसरा उपाय, पिसा हुआ नमक लेना है, सफ़ेद नमक, और उसको आप तवे पर गर्म कर लें। गर्म करने के बाद किसी कपड़े पर, कॉटन के कपड़े पर रखना है, और जहाँ पर आपके मोच है या उस जगह पर आपके दर्द है, सूजन है, तो उस स्थान पर आपको इसको बांधना है, तो इससे आपका दर्द सूजन कम हो जाते हैं। अब लास्ट तरीका दोस्तों हम और बताते हैं आपको कि तारपीन का तेल और सरसों का तेल आपको बराबर मात्रा में लेना है, और दोनों को मिलाकर के आप मोच वाले स्थान पर इसको भी बांधना है। तो बांधने से दोस्तों आपकी जो चोट है, मोच है, सूजन है, वो ठीक हो जाती है, और आप धीरे धीरे करके इसमें आप आराम महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको चार टिप्स बताए हैं। चार टिप्स बताने का मतलब है आपके पास उस समय जो भी उपलब्ध है उससे आप फायदा ले सकते हैं। तो चार टिप्स बताने का मतलब ये होता है, आप समय के अनुसार या अपनी समस्या के अनुसार या औषधि के अनुसार जो भी चीज़ आपके पास है उसका इस्तेमाल करके आप समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप चोट, मोच और सूजन, इन समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे, दर्द होगा दर्द भी शांत हो जाएगा और आप ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें और दोस्तों अपने लोगों को शेयर करना न भूलें, जिससे कि सभी का भला हो सके, सभी को जानकारी मिल सके।
अगली जानकारी फिर कोई हम नई आपके सामने लाते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।